बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, SQS Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं शिप्रा सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। शाहजहांपुर में जिला प्रशासन का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहां 500 की रिश्वत ना देने पर नाराज पंचायत सचिव ने दो मासूम बच्चों को 102 साल और 104 साल की उम्र का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें बुजुर्ग साबित कर दिया। फिलहाल मामले में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में जिला प्रशासन ने भी जाँच शुरू कर दी है। गोद में अपने दो बच्चों को लिए यह परिवार बेहद अचंभे में है। इन दोनों बच्चों की उम्र वैसे तो 2 साल और 4 साल है, लेकिन ग्राम सेक्रेटरी ने जन्म प्रमाण पत्र में इनकी उम्र 102 साल और 104 साल दर्शाकर इस परिवार के लिए भारी परेशानी खड़ी कर दी है। जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से अब यह दोनों बच्चे पूरे तहसील में सबसे उम्रदराज बच्चे रहे। दरअसल थाना खुटारा के बेला गांव में रहने वाले नन्हे लाल ने अपने 2 साल के बेटे शुभ और 4 साल के बेटे संकेत का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2 महीने पहले प्रधान और सेक्रेटरी को आवेदन दिया था। प्रमाण पत्र बनाने के लिए सचिव सुशील चंद्र अग्निहोत्री ने नन्हे लाल से रिश्वत के तौर पर 500 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे। नन्हे लाल का कहना है कि जब उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो सेक्रेटरी ने भी उसे सबक सिखाने की धमकी दी थी। सेक्रेटरी ने 2 साल के शुभ की जन्म तिथि 13 जून 1916 लिख दी, जबकि उसकी जन्म तिथि 13 जून 2018 थी। वहीं 4 साल के संकेत जिसकी जन्म तिथि 6 जनवरी 1918 लिख दी, जबकि उसकी असली जन्म तिथि 6 जनवरी 2016 थी। सर्टिफिकेट मिलने के बाद नन्हे लाल उसके परिवार के होश उड़ गए, क्योंकि इन्हीं सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाना था। 500 रुपए रिश्वत ना देने की सजा अब इस परिवार को भुगतनी पड़ रही है। बाद में जब परिवार वालों ने सेक्रेटरी सुशील चंद्र अग्निहोत्री और प्रधान प्रवीण मिश्रा से इसकी शिकायत की तो उसे धमकाकर भगा दिया गया। नाराज परिवार ने पुलिस और प्रशासन में भी शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद बच्चों के चाचा पवन ने बरेली के भ्रष्टाचार निवारण की विशेष अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई। परिवार की शिकायत को कोर्ट ने बेहद गंभीर मानते हुए स्थानीय पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज कराने की आदेश दिया है। फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि सचिव ने सही जन्म प्रमाण पत्र जारी किया था, लेकिन परिवार के लोगों ने कोई फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर शिकायत की है। जिला प्रशासन का यह भी कहना है कि जांच में अगर सचिव और प्रधान का दोष पाया गया तो मामले में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई से ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर देखते हैं क्या कहना है बच्चों के चाचा पवन का और मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर का। मैं अपने भतीजों के आधार कार्ड बनवाने के लिए बैंक गया था, तो वहां पे बताया गया कि बगैर जन्म प्रमाण पत्र के आधार कार्ड नहीं बनेंगे। तो मैं सेक्रेटरी साहब के पास आया, ग्राम विकास अधिकारी सुशील चंद्र अग्निहोत्री के पास, तो मैंने पूछा कि जन्म प्रमाण पत्र बनना है, तो कहने लगे वो तो यहाँ बनते नहीं है, आप जाओ अस्पताल से बनेंगे। जब मैं अस्पताल गया तो वहाँ से बताया कि तुरंत बन जाते हैं, लेकिन अब नहीं बन पाएंगे, टाइम ज़्यादा हो गया, तो वहीं से बनवा जाके ग्राम विकास अधिकारी के पास वहाँ आया, तो उन्होंने मना कर दिया। 2-3 बार मैं दौड़ा, उसके बाद कहने लगे तो ठीक है बना देंगे, लेकिन कुछ खर्चा पानी पड़ेगा। तो मैंने क्या खर्चा लोगे, बोले 500 रुपये प्रति नंबर प्रति पड़ेगा, तो मैंने मैं नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद जब बातचीत हुई तो बोले कि ऐसा करो, चाहे फार्म भर के जमा कर दो। फार्म मैंने जमा कर दिए, 2-3 बार चक्कर लगाए, फिर 8 दिन के बाद उन्होंने गया मैं, तो बोले कि बैठो दे देंगे अभी। वहाँ पे प्रधान पहले से ही बैठे थे, तो आधा घंटे के बाद वो बोले ठीक है बना रहे, बना दिए उन्होंने। जब बनाने के बाद हमारे रिसीव करा लिए, रिसीव कराने के बाद जब हमको जन्म प्रमाण पत्र दिए गए तो मैंने देखा उसमें गलत है। जब गलत है तो मैंने शिकायत की कि इसमें तो जन्म तिथि गलत है, तो कहने लगे नहीं, जो आपने आधार दिया था उसी के आधार पर बनाया गया है। मैंने नहीं देखो इसमें गलत है। बोले तू ज़्यादा काबिल बनता है क्या? तो प्रधान जी कहने लगे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इन चमट्टों का कोई काम नहीं करना है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। तो सेक्रेटरी साहब भी कहने लगे, बोला भागता है यहाँ से, नहीं भागता है। तो जाति सूचक गालियाँ देते हुए मुझे वहाँ से भगा दिया गया, मैं चला आया घर पर। उसके बाद मैंने एसओ साहब से शिकायत की, जब एसओ साहब से शिकायत की वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर मैं SP कार्य के यहाँ गया, वहाँ भी नहीं हुई, फिर मैं DIG के पास गया, वहाँ भी नहीं हुई। जब कहीं नहीं तब मैं न्यायालय गया, न्यायालय से मेरा आदेश हुआ,
आदेश होने के बाद जब मैं फिर गया थाने तो वहाँ पर भी हमारी FIR नहीं लिखी गई। अब आप क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ, जो भी हमारे साथ गलत हुआ है उसका न्याय चाहता हूँ। ये प्रकरण संज्ञान में आया था, कुछ पत्र समाचार पत्रों में भी इसको छापा गया है। हम लोगों ने इसके बारे में एक प्रारंभिक जांच कराई थी और जो संबंधित सचिव है उसका भी वर्जन हम लोगों ने लिया है। तो अभी प्रथम दृष्टि ये निकल के आया है कि जो सर्टिफिकेट जारी किया गया बिल्कुल ठीक जारी किया गया है और उसकी रिसीविंग भी हम लोगों के पास में है। उसके बाद में सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद में उसमें क्या फोर्स किया गया है, कैसे क्या किया गया है और उसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, एक अलग विषय है। फिर भी हम लोगों ने इसमें जो वहाँ के हमारे DC मनरेगा हैं उनके पास वीडियो का चार्ज भी है, उनको इसमें जांच अधिकारी बनाया गया है। 2 दिन में उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अगर कोई और इसमें डायमेंशन निकल के आती है तो उसके बाद ही बता पाएंगे, लेकिन अभी प्रथम दृष्टि यही निकल के आ रहा है कि ये सिर्फ इसको फोर्स किया गया है, सर्टिफिकेट ठीक जारी किया गया। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।